हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्कोर विद दीप्ति। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। व्हाट द क्वेश्चन सेज, लेट्स सीड। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें इस क्वेश्चन में सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म्स का, और हमें एपी की सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है सम कितनी टर्म्स का, 51 टर्म्स का, और हमें गिवन है सेकंड टर्म मींस ए टू एंड थर्ड टर्म गिवन है 14 एंड 18। क्लियर? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट हमें इस क्वेश्चन में एपी की सेकंड टर्म गिवन है 14 एंड एपी की थर्ड टर्म गिवन है 18। हमें इसमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 51 टर्म्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए टू के प्लेस पे अगर हम एम ने टर्म का फॉर्मूला पुट करें, एम ने टर्म का क्या फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स हम ए टू को इस फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, टू है, टू माइनस वन इंटू डी। तो क्या आएगा सोल्व करके, ए प्लस डी इक्वल टू 14। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई सोल्व करके। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, ए थ्री, ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। एम ने टर्म का फॉर्मूला पुट कर दिया, ए प्लस टू डी इक्वल टू 18। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम फर्स्ट में से सेकेंड वाली को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखेंगे, फर्स्ट ए प्लस डी इक्वल टू 14 एंड सेकंड ए प्लस टू डी इक्वल टू 18। इनको सोल्व करेंगे, जब माइनस करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज हो गए, प्लस के प्लेस पे माइनस का आ गया, ए से कट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस वन डी माइनस के माइनस 4, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, माइनस से माइनस कट हो गया, डी की वैल्यू सोल्व करके आ गई 4। नेक्स्ट अब हमारे पास डी की वैल्यू सोल्व करके आ गई 4, हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू को इन टू में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी डी की। तो हम यहां लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे। डी की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 14, डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 14, ए इक्वल टू 14 माइनस 4, ए इक्वल टू 10। ये हमारे पास ए की वैल्यू सोल्व करके आ गई। क्लियर? अब डी की वैल्यू भी सोल्व करके आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। सम फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो यहां पर हमें n की वैल्यू भी है, 51 टर्म्स है, सम फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल टू 51 टू 10 एंड 4 हम यहां पुट कर देंगे। s 51 इक्वल टू 51 अपॉन 2, 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4। नेक्स्ट सोल्व करेंगे, 51 अपॉन 2, 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 अपॉन 2, 20 प्लस 200। नेक्स्ट 51 अपॉन 2 इंटू 220, 2 से कट हो जाएगा 110, 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 51 इंटू 11 165, आंसर आएगा सोल्व करके 5610। 51 टर्म्स का सम 5610। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन।